beat you. Ready? हाँ रोलिंग चलो ओके आप दोनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन नए सॉन्ग के साथ आ रहे हैं आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या है सॉन्ग के बारे में जरा थोड़ा अगर आप दोनों बताइए मैम फर्स्ट आप यस सो जो जितिया सॉन्ग है हमने इसको दो महीने पहले शूट किया था अर्मेनिया में एंड दिस इज अ वेरी बबली सॉन्ग पंजाबी सॉन्ग सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट बहुत ही मजा आने वाला हमने ऑलरेडी वहाँ पर 5-6 रील वहीं पर ही शूट कर ली थी बस वेट था कि कब आएगा तो 2 महीने का काफ़ी लंबा वेट हो गया बट फाइनली 11 तारीख को आ रहा है क्योंकि कहते हैं कि जो देर से मिलता है वो और अच्छा होता है सबर का फल मीठा होता है तो एक्चुअली गाना ये ऐसा है कि शी इज़ कंप्लेन तो एज यूजल मतलब लड़कियाँ तो कंप्लेन करती है मतलब उस तरीके से पूरे गाना कंप्लेंट्स पे ही है कि तुमने ये क्यों नहीं किया तुमने वो क्यों नहीं किया तो बट इट्स अ वेरी फन सॉन्ग एंड देर आर वेरी क्यूट मोमेंट्स इन दैट सॉन्ग तो आई थिंक दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा ना मुस्कान आप जूता उठा रही है पोस्टर में क्या कर रही है आप मतलब क्या क्या कर रही है आप मुझे आप बताना चाहेंगे हंगामा कर रही है आप माधुरी दीक्षित के साथ तो बेसिकली कैसा है ना ये बहुत ही अमीर लड़का है और मैं पहाड़ी कुड़ी हूँ सो मतलब वो मुझे सब कुछ दे सकता है यू नो बड़ा घर बड़ी गाड़ी बट मुझे वो सब चाहिए ही नहीं मुझे बस कभी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए कि कभी जूतियाँ हो गई या कभी उसका टाइम हो गया घुमाना हो गया कि आई जस्ट नीड टाइम विथ यू होता है ना कि मुझे ये सब लैविश चीज़ें नहीं चाहिए आई जस्ट नीड टाइम विथ यू कभी एक जूतियाँ मंगवा दो या एक फुलकारी मंगवा दो तो सारे ये सब है गाने में लिरिक्स वगैरह में वैसे तो जनरली म्यूजिक वीडियो पहले आता है लेकिन आपके इसमें ऑडियो पहले आ रहा है ये क्या कहानी है आपके इसकी तो हमें लगता है कि थोड़ा सा यू नो एक्साइटमेंट बढ़ेगा क्योंकि मेरा और रियान का यूजुअली ये ऑलमोस्ट मतलब पहला गाना होने वाला था बट दिस सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू आर हार्ट सो हमने ये सोचा है जो हमारी टीम भी है उन्होंने ये सोचा है स्नो रिकॉर्ड्स के जो हैं कि अगर ऑडियो पहले आएगा तो लोगों को सुन के क्यूरियोसिटी होगी कि वीडियो में क्या होगा इसलिए 2 दिन पहले हम ऑडियो रील के साथ डाल रहे हैं वैसे ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि रोमांटिक गाने हों तो ज़्यादा पेपी नहीं होते लेकिन जैसे कि एडी हैं आपके साथ तो वो सीधी बात है पॉप तो साथ में आने ही वाला है तो वो जब आपने गाना सुना था तो ये जब क्या आपका इस चीज़ के लिए ख्याल था कि क्यों करना है एक कैसा गाना है ये एक्चुअली जब मैंने पहली बार सुना था इट्स अ फुल पंजाबी मतलब मोस्ट ऑफ द लिरिक्स इज इन पंजाबी तो मुझे गाने की जो लिरिक्स है वो इतना समझ में नहीं आया था टू बी वेरी ऑनेस्ट बट गाने का जो वाइब है जो फील है दैट वॉज द रीज़न आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस तो उसके बाद मुझे पूरा गाना समझाया गया तो तब तो मतलब इट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग आप अगर लिरिक्स सुनेंगे ना मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों में कैसे लड़कियाँ वो करती है ना मतलब तुमने ये नहीं किया तुम तो इतना सब कुछ दे सकते थे तुम खुद ये करते हो बट मुझे नहीं करते तो दिस इज़ हाउ द फाइट्स आर लिटिल मोमेंट्स आर देयर सो आई थिंक दैट्स द होल वाइब ऑफ द सॉन्ग वैसे आपके तो काफ़ी सारे वीडियोस भी वायरल जा चुके हैं भले वो गीत हो या कोई और चीज़ हो इसके बाद अगर ये लाएं तो क्या लगता है कितना फ़ैन फॉलोइंग आपका ये देगा ना आपकी तो फ़ैन फॉलोइंग हर कोई जानता है रेहान सर आई थिंक थैंक यू सो मच बट आई थिंक हम दोनों को दर्शक बहुत पसंद करते हैं और आई जेन्युइनली respect their feelings और मुझे मतलब आई कॉन्ट टेल यू आई कॉन्ट एक्सप्रेस प्रॉबली कि मैं कितना इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनका प्यार वो जो जितना प्यार हमें देते हैं तो आई थिंक ये गाना उनके लिए इट वुड बी अ ट्रीट टू देम कि उनको एक हम 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स के वीडियोज़ बनाते हैं यहाँ पर आपको 2.5-3 मिनट को पूरा पूरी स्टोरी देखने को मिलेगा जो हम जनरली नहीं बनाते तो आई थिंक इट वुड बी अ ट्रीट फॉर देम एंड जैसा प्यार उन्होंने अभी तक दिया है आई एम एक्सपेक्टिंग उतना ही और उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा ना वैसे ये गाने के साथ साथ आपके व्लॉग्स भी काफ़ी सारे बन रहे थे BTS भी देखने मिले थे लेकिन व्लॉग के अलावा कुछ और ऐसे मोमेंट्स हुए वहाँ पे दुबई में जब आप शूट कर रहे थे वो आप अगर शेयर कर हाँ जो आप शेयर कर सकें सो हम अर्मेनिया में थे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी थी
हम लोग लिटरली, बट ऐसा होता है ना जब इंसान का मतलब ऐसा माइंड का खेल होता है, तो दिमाग में था कि नहीं मतलब हम काम में बिजी, तो ठंड का इतना पता नहीं चल रहा था, बट लिटरली पहले दिन पे ना पूरा मुझे पता नहीं था, पहले दिन पे हम लोग खाली वो जगह एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे से शूट था, तो लिटरली बर्फ में चल के ना पैर ऐसे मेरे सुन हो गए थे, एकदम ठंडे पड़ गए थे, एकदम सुन हो गए थे। मैंने बोला मुझे नहीं लगता मैं कल शूट कर पाऊंगी, कैसे होगा कैसे होगा, बट देन ठीक है इतना भी नहीं था, रूम में हीटर्स थे तो एवरीथिंग वाज फाइन। बाकी बहुत सारी चीज़ें अगर तुम कुछ शेयर करना चाहो। मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, करूँ या नहीं करूँ आई डोंट नो, कर दो। ओके, तो एंड ऑफ द शूट, शूट खत्म होने के बाद हम सब वापस आने वाले थे और सबका कोविड रिपोर्ट करना ही पड़ता है, तो हम सब ने किया, और बाय मिस्टेकली पता नहीं क्या हुआ था, जबकि मेरा एक मतलब ऑलमोस्ट 10-20 डेज पहले ही मैं कोविड से रिकवर हुआ था, और उसके बाद वो जो रिपोर्ट आया था बाय मिस्टेकली वो पॉजिटिव आ गया था, एंड आई वाज डैम स्केयर्ड कि सब चले जाएंगे मैं क्या करूँगा, अकेले नहीं जाएंगे, तो दे आर सो स्वीट, मतलब सब ने बहुत सपोर्ट किया, फिर हमने रिपोर्ट कराया और वो नेगेटिव आया, एंड दैट्स व्हेन दैट्स हाउ वी फ्लू बैक, एंड सीरियसली दिस इज गोना टू बी लाइक आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि ऐसा हार्ट अटैक आने जैसा था कि रात को पता चलता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, एंड आई वाज सो डैम स्कैर्ड। सो पर इन लोगों ने बहुत, बाकी सब तो ठीक है, बट कोई भी हो, इन जनरल कोई भी हो, अगर हम अपने देश से बाहर कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियसली साथ में गए, तो एक जन को कुछ भी प्रॉब्लम हो थोड़ी छोड़ के आएंगे, मैनेज करेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है तो हम ही साथ में रुक गए थे, बट भैया हमको ये बात का डर नहीं था कि उसका पॉजिटिव आया, उसको ये बात का डर था मुझे अकेला हो जाऊंगा तुम लोग तो चले जाओगे, बट यस इट वाज अ फैमिली, इट इज अ फैमिली, तो हमने बहुत 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 प्यार से काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, और कभी लगा ही नहीं कि काम करने के लिए आए हैं, इट वाज मोर लाइक अ फैमिली पिकनिक जो हमने किया है ना। यूजुअली मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ हमेशा मेरे साथ मेरी सिस्टर आरुष सब रहते हैं, मैं कभी अकेले नहीं रहती क्योंकि मुझे सबके साथ ही चलना पसंद है, बट वहाँ पे ना तरुण बस एक तरुण ने बोला कि तुम अकेले जा रही हो बट डोंट वरी, तरुण ने पूरी कोशिश की कि ना उसको लगा कि शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं बोर हो जाऊंगी, बट ट्रस्ट मी पहली बार मैं गई थी इन लोगों के बिना, बट इतना मजा आया जब उस दिन से वहाँ से रिटर्न आ रही ना, एवरी डे हम शाम को वहाँ कॉफी पीते थे, इतना मतलब वाइब इतना अच्छा था, इतना मजा आया कि ऐसा लगा ही नहीं कि दिन कब चलेगा पता नहीं चला, शूट हो गया दिन भी चलेगा कुछ पता ही नहीं चला, आई रियली मिस दोस डेज। अच्छा, इसके बाद आप क्या नया लेके आ रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, और आप क्या अपना दर्शकों के लिए मैसेज देना चाहते हैं? तो सबसे पहली बात है, अभी तो ये गाना लॉन्च पे है, तो आई वुड से कि दर्शक इसके लिए एक्साइटेड रहे, और ये जब लॉन्च हो जाएगा तो बहुत सारा इसको प्यार दे, इस पे रील्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, हमें टैग करें, और अगर सचमुच बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ, अगर किसी का वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आई विल कोलैबोरेट विद देम ऑल्सो, तो थैंक यू आप लोगों ने इतना प्यार अब तक दिया है, आगे भी देना, और इसके आगे जो आएगा वो हम डेफिनेटली आपको पोस्ट करते रहेंगे, सब कुछ बताते रहेंगे, फिलहाल के लिए दिस इज व्हाट इट इज। सो मतलब मेरा जो आगे का प्लान है, आई थिंक ही इज राइट, अगर हम इस पे वी शुड टॉक अबाउट दिस, बट जो आगे का इट इज अ शॉर्ट फिल्म, आई वुडंट रिवील इट, इट इज ऑन अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, सो मे बी विद इन अ मंथ और टू वो आ जाएगा, बट ये चीज़ के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड, और मैंने एक मराठी रील बनाई थी, आई डोंट नो मराठी, बट मैं खुद भी समझ रही हूँ, मेरे को लगता है शायद मेरी ऑडियंस है जिनको मराठी नहीं आती, मैंने उनको भी एक्सप्लेन किया था, तो ये गाने के लिए भी मैं पर्सनली लोगों को बताऊंगी कि सुनो ये वाली लाइन का ये मतलब है, ताकि उनको भी मजा आए, मुझे भी मतलब नहीं पता था, बट जब तरुण जब हम गाना सुन रहे थे, ऑलमोस्ट 6-8 महीने से प्लानिंग चल रही थी, तो उन्होंने बताया ऐसा होता है कि लड़के के पास गाड़ी होती है, चिट्टे रखने फरारी सुनने के लिए तो चल रही थी, हाँ तो ब्लैक कलर की, मतलब ऐसा याद मतलब ब्लैक कलर की तुमने अपनी रेंज छोड़ के वाइट फरारी ले ली, मतलब मुझे तो मतलब तुम दोस्तों के साथ अपना दुबई यूरोप का टूर नहीं यूरोप का टूर करते हो, बट मुझे दुबई तक भी नहीं तुम लेके जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे तरुण ने समझा कि इसका ये मतलब है, पहले तो गाना सुनाया ध्यान से समझ में नहीं आया, जब उसने मीनिंग समझा तो यार बहुत ही अच्छा वाइब था, अरे ऐसा हो रहा है, अरे अच्छा उसने ऐसे करके ऐसे हो गया था, तो मैं अपनी ऑडियंस को भी समझाऊंगी ताकि उनको भी समझ में आए। सो गाना किस प्लेटफॉर्म पे कब रिलीज होगा? गाना 11 तारीख को रिलीज हो रहा है और स्नो रिकॉर्ड्स पे लेटेस्ट रिलीज हो रहा है। रेयान, एक काफी सवाल नावर जीत चुके हैं लॉकअप में, कुछ कहना चाहेंगे? सच देखिए, मैं आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, बिकॉज मैंने पूरा सीजन में एक भी एपिसोड देखा नहीं, बट
मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा, अगर दर्शकों के वोट से जीता है, दर्शकों ने प्यार देके जीता है, तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला होगा। और दर्शकों पे कभी डाउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो दिल से वोट करते हैं और दिल से जिनको जीता है वो ही विनर है। दैट्स ऑल। आप क्या कहते हैं? मैंने जैसे रिया ने बोला, मैंने लॉकअप का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, बट मैंने इंस्टाग्राम पे जो भी क्लिप्स आते थे वो मैंने ज़रूर देखा है। और एज आई नो अंजलि इज अंजलि ऑल्सो वॉज अ कंटेस्टेंट, बट अगर मुनावर जीता, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम एंड आई विश हिम ऑल द लक। Completing 2 million on Instagram, we are so happy for you. Thank you guys, thank you आप सभी को, आपको आपको for being a part of it, part of this journey, और दर्शकों को बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपके प्यार के बिना तो कुछ होता नहीं। Let's cut the cake now. Yay! Wow, 2 million bro. Thank you. Congratulations. और ये पहला वाला कैमरा के पीछे जो लोग हैं सबको मैं बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। फटाफट ना एक बार उनको टिश्यू दे।